नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 सितंबर 2020 है। 6 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना के कदम तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना को लेकर बंदिशें धीरे धीरे खुलने लगी है, लेकिन इसका कतिपय अर्थ नहीं कि हम पहले की तरह सामान्यतया भीड़ भाड़ और पब्लिक प्लेस पर सावधानी भूल जाएं। हमें पहले से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण इलाके में हाट बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की हरकत देख प्रशासन ने 10 दिनों का मास्क जांच अभियान चलाया है। मास्क अभियान खासकर लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए है। इसमें स्वतः हर किसी को दिलचस्पी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के अब तक के कुल 41 लाख मामले पूरे देश में हो गए हैं। इनमें से 31,77,000 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए हैं। अभी वर्तमान में 8.5 लाख के करीब एक्टिव केस ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के केस डिटेक्ट हुए हैं। वहां शनिवार को 20,800 मरीज मिले हैं। देश के 3 राज्यों यथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संक्रमण तेज हैं। वहां की सरकारों को महामारी के रोकथाम के लिए केंद्र ने पत्र लिखा है। इधर बिहार में 24 घंटे में 1,750 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों में बिहार में कोरोना संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 1,45,000 हो गई है। 1,28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर भारतीय रेलवे ने देश के 38 बड़े शहरों से ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 40 जोड़ी ट्रेन यानी 80 गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये ट्रेन 12 सितंबर से चालू होगी। आगामी 10 सितंबर से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो जाएगी। अगर इन ट्रेन में यात्रियों की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो उसी समय एक क्लोन ट्रेन भी चलाया जाएगा। इससे यात्रियों की सहूलियत बरकरार रहेगी। पटना के आर ब्लॉक रेलवे लाइन पर पुलिस और शराब तस्करों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया गया कि तस्कर पुलिस से ज्यादा भारी पड़ गए। बिहार के पूर्णिया में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने धमदाहा विधानसभा के दमगाड़ा में करीब 14 करोड़ के सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। इधर मीरगंज के रंगपुरा में भी सांसद संतोष कुशवाहा ने करीब 4 करोड़ के सड़क का शिलान्यास किया। ये दोनों सड़कों का चौड़ीकरण होना है। पूर्णिया जिले के जानकी नगर में 2 महादलितों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ के संयुक्त अभियान में 8 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक से रुपये लेकर निकले एक युवक पर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया गया। उसे खुजली लग गई। इसी बीच वह एक जगह कपड़े उतारने लगा। एक व्यक्ति आया और डिक्की से रुपयों भरा थैला लेकर फरार हो गया। यह घटना मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक के पास घटी। पीड़ित का नाम विश्वजीत आनंद बताया गया। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार जीतनराम मांझी सीएम से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं में विधानसभा चुनाव में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान सीटों पर भी बातचीत हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश को अब शासक नहीं सेवक चाहिए। समाज के हर वर्ग के दिल और दिमाग में जाप बस चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा, जिस पर महागठबंधन पूरी तैयारी कर रही है। इधर AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें भी चर्चा में है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।